अब हम करने वाले हैं पार्ट थ्री सैंपल क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स प्लस टू का, जिसमें हम करने वाले हैं एट्थ एंड नाइन्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोडक्शन स्कीम। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट दिए आपके पास, टोटल प्रोडक्ट दिया है, एवरेज प्रोडक्ट दिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, बीच बीच में खाली छोड़ दिया है जिसको हमने कंप्लीट करना है। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है ये। देखो सबसे पहले तो यहां देखो, जो आपकी टोटल प्रोडक्ट है वही मार्जिनल प्रोडक्ट रहेगा, फिर आप टोटल प्रोडक्ट में मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड कर दो, या फिर एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, यहां से भी क्या निकल जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर्मूले लिख लेता हूं साथ में, आपका जो टीपी निकलेगा, ठीक है, टीपी आपका एपी, एपी निकलेगा टीपी डिवाइड बाय क्या, टीपी डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, यूनिट्स जितने भी होंगे, ठीक है, यूनिट्स जैसे 2 यूनिट्स से 3 यूनिट्स से डिवाइड करते जाओ। अब आपके पास देखो थर्ड पे अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे ना ये दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, 22 प्लस 8 मार्जिनल प्रोडक्ट, इसमें टोटल प्रोडक्ट जो था 2 पे, देखो सिंपल सोचना, 2 यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट इतना था, तीसरे यूनिट जब हमने क्या किया प्रोडक्शन की, तो आपकी कितनी, तीसरा यूनिट जब लगाया वेरिएबल फैक्टर का, तो उससे क्या हुआ 8 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, तो टोटल प्रोडक्ट में 8 यूनिट्स ऐड हो जाएगी, कितना बन जाएगा भाई 30 बन जाएगा, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर यहां से क्या करेंगे, 35 माइनस 35, वेरी सिंपल, अगर हम TPN माइनस TPN माइनस 1 करते हैं तो MP निकल जाता है, TPN माइनस TPN माइनस 1, अगली टर्म TP की माइनस पिछली टर्म, तो MP निकल जाता है, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, TP में ये ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 30, देखो 35 प्लस माइनस 5, तो कितना बन गया 30, तो ये तो बहुत सिंपल। एवरेज प्रोडक्ट तो आपको पता है, डिवाइड कर दो, 10 डिवाइड बाय 22 डिवाइड 11 आ गया भाई। फिर उसके बाद 30 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, फिर उसके बाद 35 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 8.75, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 36, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेबल पूरा पूरा। अब उसके बाद एक्सप्लेन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फीचर ऑफ मोनोपोली, बहुत सिंपल है बेटा। होता क्या है कि आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से सेलर क्या कर रहा है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है, सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी, उसके लिए